आइए उन विक्टिम्स के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या मामला था। ये आप देख सकते हैं, उनके जानवर यहाँ पे हैं, बंधे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आप लोग इधर रहते हैं तो थोड़ा सा बताएं कि आपके साथ क्या मामला आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फिर इस रात के टाइम क्या होता है आपके साथ? रात टाइम हम जब सोईदा ना, उस टाइम जो रात 10 दा 11 दा टाइम होंदा, उस टाइम सुते पैन यकदम ऐदा खौफ जे खौफ जिदा कोई चीज उठा जांदी। अच्छा, की महसूस होंदे ज्यादा? महसूस ऐदा ही होंदा, दो औरतां ने वो यकदम आंदियां ने तो उठा के चले जांदे। नजर आंदियां ने या की दिखावा देंदियां ने फिर चले जांदी? आवाजां देंदियां ने जी, नजर आईयां ने। हां जी, दो दफा आईयां। ते तुहानू कोई महसूस होया ते कोई नहीं? तुसी नहीं होया ते किस जगह ते तुहानू महसूस होंदा, किथे सोंदे हो तुसी? जिथे भी सोंजी, इत्थे भी सोंजी दा, उत्थे बाहर भी सोंजी दा। अच्छा, इत्थे जानवर नाल की पेश आंदे ने वाकया? दो खून दी छड्डियां? हां जी, खून दे छट्टे आए ने। चवाई टाइम डंगरां नु छड्डिया जा नु असि छोटे नु। अच्छा, ते जदों पसमा के पछां लैंदा ते मेरी नजर पई ते मैं देखिया ते ओदे खून दे छट्टे पए होए सन। दिखाओ किते अभी है। हां जी। अच्छा नाज़रीन, इनका कहना यह है कि खून की छींटें देखी गई हैं जो इन्होंने बैन से रखी हुई हैं। उसके अलावा ये जहाँ भी यहाँ सोते हैं डेरे में, तो इनको कोई औरत है वो नज़र आती है। ये रीडिंग आ रही है, और उनको तंग करती है, वो सोने नहीं देती। थोड़ा सा पीछे कामरान दिखाना, किस तरफ से भाई देख के यार, लाइट करना, लाइट 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 लाइट। काशिफ थोड़ा सा नाज़रीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फार्म, ये जो डेरा है, समझ से बाहर हो रहा है, क्योंकि नीचे देख के यार कहाँ जाना है? उस तरफ नहीं जाना, हाँ लाइट करो यार। ये आप देख सकते हैं नीचे, एक तो काफ़ी यहाँ पे गंद, क्योंकि ऐसा एरिया है, डेरा है। कौन सी है उधर? आइएगा जरा, दिखाओ उधर काशिफ। दूर से, बस दूर से। किधर? एक सेकंड ठहरो, इसको जरा रखिएगा उधर। ये सामने नाज़रीन, आप अभी मैंने दिखाया है नाइट विजन पे, खून की छींटे हैं, ये भी देख सकते हैं। कामरान दिखाना, ये देख सकते हैं, ये पूरा खून और खून हुई हुई है ये। ओह गुडनेस, नज़र आया मुझे, ठीक है। उसमें भी है, ओह गॉड, ये तो काफ़ी जाप के तो सारे जानवरों में भी। फिर तो ये आपस में कोई लड़ी तो नहीं थी? नहीं नहीं। अच्छा, इसमें ऐसे है कि हम इसको थोड़ा देखते हैं भैया, फिर हम आपको फिर बताते हैं कि यहाँ पे क्या मामला थे। हो सकता है थोड़ा वहम हो, लेकिन असि चेक करके फिर तुम। हाँ जी, हाँ जी, सियाल सियाल नाज़रीन, इनका इनके कहने के मतलब अगर मैं वैसे बात करूं, हर बंदे की यहाँ पे जो दो मेरे साथ यहाँ पे हैं, उनका कहना यही है कि उन्होंने खून की छींटे देखी हैं। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई जादू हुआ हुआ है, या कोई ऐसी जगह है यहाँ पे मामला चल रहे हैं, जो चीज़ है जब इन्होंने डेरा लिया था, बनाया था, वो पहले से यहाँ रह रही हो। तीसरी बात यह हो सकती है कि ये मे भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिम्टम्स, हो सकता है कि ये जानवर आपस में लड़ गए हों या लड़े हों, उस वजह से खून हो गया हो। लेकिन उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं है, इनको उठाया जाता है रात के टाइम। उसके अलावा यहाँ पे खून के छींटे के अलावा बर्तन में खून देखा गया। तो ये सारी चीज़ें हम इस डेरे को आज इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपकी हमने इनकी ज़ुबानी सुना दी, यहाँ के जो विक्टिम थे, अब हम अपने इक्विपमेंट की बेस पे बाकी चीज़ें देखते हैं कि कोई ऐसी मूवमेंट है या नहीं। आइए, नाज़रीन अब यहाँ से अब हम दोबारा इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं। ये जो बैंस है, इसकी
आईज मुझे ठीक नहीं लग रही, ये काफ़ी गौर से देख रही है। बहरहाल अच्छा, उनके कहने के मुताबिक ये जो 5-6 यहाँ पे भैंसे हैं उनके साथ मसाइल उनको फेस उन्होंने किए हैं। हम ये जगह को दोबारा देख रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चलिए नाज़रीन आगे देखते हैं। और यहाँ पे यही हमारे शो का नाज़रीन, हम लोग हमें जाना पड़ता है जो हमें इनवाइट करें, चाहे वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़े हमें वो फेस करना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं सारा नीचे जो हालात हैं। ओ गुडनेस, चलो कामरान। तो बस तकफार, थोड़ा इधर आओ। क्या कोई चीज है यहाँ पे अपने होने का साज दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर? ओ शिट यार, हम नुकसान नहीं पहुंचाने आए, ना ही पहुंचा सकते हैं। इस मीटर में रीडिंग दे सकते हो? इन गरीबों को क्यों तंग कर रहे हो? यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनका ये डेरा है, उनको रहने क्यों नहीं देते? हमारे सामने आओ। अच्छा, यही यकीनन थोड़ी बहुत जगह होगी जहाँ पे ये लोग सोते हैं। सांस यहाँ पे बहुत मुश्किल से आ रही है। थोड़ी बहुत रीडिंग का। कौन है? आप देख सकते हैं मच्छर कितने, उधर दिखाओ कैमरा, कोई है? मुझे कोई फीलिंग आ रही जैसे कोई मूव कर रहा है। कौन है? वो देख, ये क्या हुआ? वो देख, ये क्या हुआ? इसे क्या हुआ? देख के यार, देख के। नाज़रीन जानवर की तरफ से अजीब सा रिएक्शन आ रहा है। हो सकता है वो ज़ाहिर बात है लाइट देख के थोड़ा सा वो घबराते तो हैं। कोई है? थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ, अगर वो यहाँ ही बंदा सोता है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ होता है, कोई मूवमेंट होती है या नहीं। बिस्मिल्लाह। कमरन पीछे रखना ज़रा, होने का साज दिलाओ अगर यहाँ पे हो। मैं तुम्हारी जगह पे आया हूँ बगैर नुकसान पहुँचाए बगैर। इस मीटर में रीडिंग दे सकते हो? क्योंकि नाज़रीन ये जो मखलूक है ना, ये यहाँ पे सिर्फ कंसर्न बंदे पे आ रही है या जानवरों पे आ रही है। खून की छींटों का नजर आना अक्सर ये जो चीज़ है वो जादू की तरफ लेके जाती है, यकीनन उस तरफ मामला यहाँ पे हैं। और अब अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हालत मेरी आप देख रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल है। गर्मी में यहाँ पे सांस नहीं आ रहा, और सिर्फ हम ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप लोगों के लिए हम यहाँ पे हैं। देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए। थोड़ा उस तरफ चलते हैं जहाँ से स्टार्ट लिया था, वहाँ देखते हैं कि कुछ है या नहीं। कुछ देख के क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? कोई है यहाँ पे? अच्छा, ये नाज़रीन ये एकदम इर्द गिर्द में ना ये कुत्ते आ गए और जैसे घेर लिया उन्होंने हमें, और इनको ये चीजें नजर आती हैं बहुत ज्यादा। एक नहीं है, ज्यादा है। लाहौल वाला कुत्ता देखो, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। कोई भी यहाँ पे अल्लाह की मखलूक अगर है,
अस्तक ये क्या है? कौन है? मुसलसल कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। यहां से कुछ ऐसे लगा कि जैसे मूवमेंट हुई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, पीछे 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 पीछे, कामरान साइड पे, ये कुछ हुआ है यहाँ पे। अल्लाह, मुसलसल आवाज़ें, मुझे ऐसा लग, यार कोई जानवर तो नहीं है इसके नीचे? नज़र यहाँ पे मूवमेंट बार बार हुई है और मुझे ऐसा लगा है जैसे कोई चीज है इर्द गिर्द, वो चीजों ने घेर लिया हमें, कुत्ते की भौंकने की आवाजें आने लग गई हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर कामरान, अल्लाह अल्लाह अकबर कामरान, मुझे ऐसा लगा है कि ये बकायदा रिकॉर्ड हुई है। हो सकता है नाज़रीन की वो चीज, ये अभी भी पत्ता हिल रहा है। हम इस पर नहीं कह सकते कि हो सकता है कोई जानवर हो उसके नीचे, कोई बिल्ली हो सकती है, कोई कुत्ता हो सकता है, लेकिन उसने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम उसके बहुत करीब हैं लेकिन उसको आगे से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, तो ये डाउटफुल चीज़ है। मैं अभी भी कोई मेजर हैपनिंग का वेट कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ थोड़ी प्रवोक हो, थोड़ी गुस्से में आए, हमें रीडिंग दे प्रॉपर, लेकिन अभी तक हमें कामयाबी नहीं हुई उस तरह। ये बहुत मुश्किल जगह है, आज इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही सही से।